तेज हो रही है और धनुका इसी में मौज आ गई है। ओ मौज आ गई, लगी नहीं नहीं लगी, ये तो असली मौज आ गई थी ये। मत जा इधर, गिर जाओगे टाइल से बेटा। लाने के लिए मीट वाली कोई सी सब्जी बनेगी तो ये देखो कैसे काट के दिया उन्होंने चक्री, पता नहीं कितना लिए हैं वो। सब्जी वगैरह नहीं लाने जाता ना इतना इतना से तो। और ये टमाटर लेके आए, लेकिन गाइस धनिया पत्ता नहीं, और वो धनिया पत्ता से ही उस दाल का स्वाद इतना अच्छा आता है कि क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, धनिया पत्ता स्किप कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो कच्ची कैरियाँ जो कि ना थोड़े थोड़े से पक गए हैं, ये उसको खाने में अलग ही मजा आ रहा है। मम्मी आज दिन में दो छिली, उसमें से आधा से ज़्यादा तो मैं ही खाई और मम्मी खाई। आजकल एप्पल कितना महंगा है ना, ये तो फिर भी थोड़ा मिला होगा, एक वो इतने बड़े बड़े से मिल रहे हैं 250 रुपये किलो। खैर छोड़िए, मैं मेन जो बात आप लोग को बताने वाली थी वो बात थी कि आपको पता है पॉलिथीन बिल्कुल पूरी तरीके से बैन हो गया है। मैं बाबू के दिन छोड़ने गई, उधर से दूध लेना था, फिर उन्होंने बताया कि कोई लेके जा भी रहा था तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। मैंने बोला क्यों पकड़ लिया, कह रहे फाइन लगाने के लिए, हमारी दुकान पे लगाएंगे, दूसरे की दुकान जो भी है सेक्टर में सबकी दुकान पे लगा देंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है बैन हो चुका है। तो ये तो अच्छी बात है कि प्लास्टिक बैन हो गया, उसके वजह से कितने दुष्परिणाम बोल सकते हैं हो रहे थे आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफ थोड़ी सी, मतलब जो हम कहीं जाते हैं और कुछ भी लेकर पॉलिथीन में भर के आते थे, वो जब नहीं हो पाएगा, आपको बैग जो है थैला है वो जो कैरी करना पड़ेगा। सो हम दो चार बैग रखते हैं, जैसे अभी ये रखा हुआ है ऐसे जूट का, तो अपना लेके जाओ सामान लेके आओ, तो इसी में आया था भीगा हुआ है। बारिश हो रही है ना बाहर जी, और बारिश कितनी अच्छी हो रही है ना, थोड़ा सा मैंने जो सूट किया हुआ था आप लोगों को दिखाया। तो अभी मैं जो है दाल को फ्राई करती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी ना, जैसे एक टमाटर और एक प्याज और एक एक ही हरी मिर्च, ठीक है, कट करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए ये मैंने घी डाल दिया है, कम कर देती हूँ फ्लेम, और घी गर्म हो चुका है। पहले मैंने पैन को गर्म किया, घी गर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने थोड़ा सा चुटकी भर हींग लिया है, जीरा, प्याज कट कर लिया, और ये टमाटर और ये हरी मिर्च, और अगर धनिया पत्ता होता तो वो भी कट करके रख लेते। तो ये पहले मैंने ये डाला, फिर उसके बाद मैंने जीरा डाला, इसको चटकाना है थोड़ा सा, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, ज़्यादा जला हुआ जीरा भी ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये चटक रहा है, और इसके पता है मैं हरी मिर्च और प्याज ना एक साथ डालती ताकि झाँकना है। और ये दाल धनु का मैंने निकाल लिया था, मेरा जल जाता है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, रेड भी नहीं करना, हल्का हल्का जैसे ट्रांसपेरेंट होने लगता है ना, गलने लगता है, तभी आपको टमाटर डाल देना है। और ये मेरा दाल जो कि थोड़ा ज़्यादा ही गल गया है, सीटी ज़्यादा लग गई है तो ये गल चुका है, और सूख गया, इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। बिल्कुल पतला भी दाल अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता। आपको पता है मैं दाल को ना ज़्यादा गला के बनाती हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा कम गला हुआ बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है गला हुआ दाल ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चावल से छनता नहीं है, जो कम गला रहता है ना वो थोड़ा ना एक अलग तरीके का जो गलता है वो छन जाता है चावल अलग, और वो फिर वो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता खाने में। तो जब मैं शादी करके आई थी ना तो ऐसी बनाती थी मैं दाल को गला गला के, सब चिढ़ाते थे संगीता मुझसे, एक दिन चिढ़ा रही है क्या काम नहीं हो तो दाल बनाई लो की कड़ी। मैंने बोला मम्मी मेरे वहाँ ऐसी मौसी जी खाते हैं। अच्छा थोड़ा कम गलाया था, मैंने बोला ठीक है मौसी जी। यार धनिया पत्ता नहीं है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, धनिया पत्ता से इसका स्वाद एक अलग ही होता है। ये हल्का हल्का सा हो गया ना, अब इसमें आपको डाल देना ये सब किया हुआ टोमेटो, ये हो गया। अब इसमें डालूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, उसके बाद फाइनल डाल लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा लेके ये सब करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। नमक डालूंगी और कुछ नहीं, चिपकी बना और एक मिनट दिखाई देती हूँ, क्योंकि दाल जब मैंने बनाया था तो नमक डाल ही दिया था, तो इसमें बस
थोड़ा सा टमाटर गलने के लिए हल्का सा बस। और गरम गरम चावल खाना है ना आपको, कुछ दाल के साथ खाओ क्या मज़ा है। और सब कुछ है, सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, भरपेट खा लो आप इससे। थोड़ा सा बस ये टमाटर है ना, बस ये थोड़ा सा। और अब जाएगा इसमें हमारा, बस बस हो गई इससे जो है ना, इसको थोड़ा सा पानी डाल के कर देंगे और इसको एक उबाल आएगा और हमारा दाल जो है बनके तैयार। तो कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में, बस थोड़ा ना अच्छा। नौटंकी नौटंकी नौटंकी, खांसी आ रही, खांसो तो जल्दी खांसो, कैसे खांसने आ रहा है। ओह और ये सारा लाइट क्यों बंद किया आपने जी पापा जी, इसलिए लाइट बंद कर दिया, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। इनको बोला गया है ना सारा लाइट जला के रखने से ज्यादा बिल आता है, तो ये जाके पूरे सब कुछ बंद बंद करके आ गए। पुच्ची दे दो प्लीज। और आपने हाथ में क्या लिया है, कुछ तो लिया है मम्मा के साथ, चीटिंग चीटिंग। और पापा जी कुछ कह रहे हैं, पापा से पूछ लो आप मम्मा से क्या कह रहे हैं, जाओ दिखाओ, पहले पीछे दिखाओ क्या है, दिखाओ 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 बाद में खाया। और आज मन तो मौसम बहुत अच्छा होगा ना, कितना टाइम हो रहा है, फोन लिए हो आप, कहाँ हो, सुनो आपने फोन लिया है, कितना टाइम हो रहा है, नहीं कुछ तो कह रहे थे। तो ये साइकिल लेके कहाँ निकल रहे हो, रात में साइकिल पे घूमोगे, ओ चलो। रास्ते पे आके बैठ गए हैं ना, धनु का साइकिल नहीं जाने दे रहे, चलो भाई हटो हटो, चलो दूसरे रास्ते पे जाके बैठो, दूर से बैठा, भाग रहा था और तेज मच जाओ। यस भगा दिया इन्होंने डॉगी को। यस रास्ता साफ है, बिल्कुल क्लियर है ना, अब लेके आओ अपनी साइकिल। नाइट का टाइम है, पतिदेव जी ने टाइम बताया नहीं, 10:30 के आसपास सो रहा होगा, अभी चोट लग तो गिर जाती। तो ये हमारे जो महाशय जी है ना, इनको देखिए ये क्या करते हैं कि जब भी हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, अभी थोड़ी उधर खड़ी है, अगर यहाँ खड़ी रहती है तो ये क्या करते हैं, कहीं नहीं बैठते गाड़ी के ऊपर, है ना बेटा, ये वाला ही डॉगी है ना जो गाड़ी के ऊपर जाकर रोज सो जाता है, आराम से जाकर वहीं बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। क्या उसका दुनिया में कोई नहीं है इसलिए। ओके बेटा ये लीजिए अपना स्लीपर पहन लीजिए, गुड। आपका इस दुनिया में कौन कौन है, मेरे माता पिता भाई है। माता पिता भाई हैं। ये डायलॉग कहाँ से सुना आपने। बाबू डॉगी के पास नहीं, डॉगी के पास नहीं, जल्दी आओ। तो हमने सोचा खाना खा लिया है, थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया है, तो थोड़ा वॉक करते हैं, बहुत दिन बाद निकली, मौसम भी इतना अच्छा हुआ था ना बिल्कुल। अयो धनु पीछे देखो, गाड़ी के नीचे का छुपा हुआ, वही भौं भौं कर रहा है। इस मौसम में ना घूमने में मजा ही है, अलग ही है। पतिदेव जी भी आ रहे हैं, निककर मैम बॉडी। वाओ क्या बात है, चलो थोड़ा सा हम वॉक कर लेते हैं। अच्छा देख रहे आपको कि ये भी ऐसे बॉडी बनाएगा, वाओ स्टंट दिखाओगे, वाओ स्टंट करने आता है और हेलमेट लगा के मुझे ऐसे करके ऐसे नहीं, आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ ऐसे करता है। मामा एक सुंदर सी साइकिल लाऊंगा, थोड़ी सी हेलमेट लगाऊंगा, सबको ऐसे स्टैंड दिखाऊंगा। हाँ ऐसे नहीं, मैं
खुद से स्टंट दिखाएंगे, ठीक है बेटा? ओके हाँ सुनो, दिखाओ दिखाओ स्टंट दिखाओ। ऐसे ऐसे करके ऐसे चलाना। चल बस हो गया, हम वॉक करके आ गए, घूम के आ गए ना बेटा, मस्ती की ना, और आके हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं बैठे हुए। मैं 2 साल उससे पहले स्कूल नहीं आऊंगा, 2 साल उससे पहले घर आऊंगा, उसके बाद मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे वही साइकिल चलाऊंगा, सबको स्टाइल दिखाऊंगा। 2 साल तक स्कूल में रहेंगे, उसके बाद घर आएंगे और स्टंट दिखाएंगे बड़े साइकिल से। और धनु के ऐसे बाल अच्छे लगते हैं ना, इधर आओ, बड़े बड़े, लेकिन उनकी दादी कह रही थोड़ा थोड़ा सा कट करवाने के लिए। हाँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दादी कह रही कट करवाने के लिए, बाबा कह रहे ऊपर से भी करवा देना, लेकिन मना कर देना, नहीं स्कूल जाना, हीरो बन के जाएगा बच्चा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा कट करवाएंगे अभी, ताकि पूरा जो ऊपर से नीचे तक ऐसे बराबर आए। छिपकली दिख गई आपको? पापा को डरा रहे? पापा को हाँ, यहाँ से ऐसे चले बाबू, चलो ऊपर चलते हैं, बैठने से बेकार है, इरिटेट हो रहे हमसे। सो गाइस, गड़बड़ हुआ, मम्मी ने कहा ये कपड़े इसमें रह गए हैं, इसको डाल दो, मशीन में रह गए थे, मतलब शाम को ही डाला था ना धोने के लिए, इसलिए डाल देती हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, और नेक्स्ट डे ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मिर्ची का अचार मम्मी बना रही है, मिर्ची का अचार वो दिखाती हूँ। सो गाइज, अचार के लिए मसाला लिया, इसमें सौंफ है, कलौंजी है, मेथी है, अजवाइन है, ऊपर से सरसों डाला हुआ है, तो इन सबको मैंने बारीक पीस लिया, और ये मिर्च काट के रखा हुआ है मम्मी ने, अब इसका बनाएंगे अचार। सो गाइज, आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मिर्च का अचार, मैं बनाऊंगी और मम्मी बताएंगी कैसे कैसे बनाना। तो इसमें तेल डाला हुआ है, और चलाने के लिए निकाल लिया, हमें कितना सही आएगा, एग्जॉस्ट चला दूँ मम्मी, ठीक आएगा नहीं आएगा तो आप नहीं जले, मैं जल गई। और अभी जो मसाला दिखाया था उसको ऐसे पीस लिया है, उसमें और कुछ नहीं डालना था ना मम्मी? इसमें सौंफ, मेथी, कलौंजी और सरसों, सरसों ऊपर से डाला था ना अपने, अजवाइन सब मिक्स कर दी, मेथी। तो जब मिर्च भून गया था तो मम्मी ने भी थोड़ा हाथ लगाया, बोल के रुको मैं करती हूँ, तो उन्होंने ये मसाला डाला, उसमें नमक ऐड किया और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा आमचूर जो होता है पाउडर, उसको थोड़ा सा डाल दिया, इसको अच्छे से मिला दिया, और थोड़ी देर के लिए बस मुझे लगता है कि 5 मिनट के लिए इसे गैस पर रखा था, क्योंकि ये तो पहले ही भून गया था, बहुत ज़्यादा नहीं भुना था, थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही रखा था मिर्च, तो ये गल के और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट डे खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में ये सीताफल की सब्ज़ी बन रही है जो कि बहुत टेस्टी हुई थी, मतलब इस टाइम देख के लग रहा था कि इतनी टेस्टी नहीं, पर खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी थी, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना मिर्च का अचार। थोड़ा ठंडा हो गया है, ठीक है, और अब इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस, जो कि इसको खट्टा कर देगा। आप इसमें चाहो तो किसी चीज़ का अचार का मसाला भी आप डाल सकते हो, ताकि ना थोड़ा खट्टा खट्टा हो और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये इंस्टेंट अचार है मिर्च का, जो कि मम्मी ने बताया, मैंने बनाया थोड़ा बहुत, मम्मी ने भी हेल्प की, और मुझे लग रहा है, और इसको कोई जार हो ना, स्पेशली कांच का, आप ना वैसे बाउल में भी रख सकते हो, जो चीनी मिट्टी का नहीं होता उसमें भी, तो मैं एक उस पर कर दूंगी, आराम से खाते रहो, थोड़ा गल जाएगा। ये पहले दिन जितना अच्छा नहीं लगता ना, सेकंड डे से ज्यादा अच्छा लगता है, ये तो हमारे हफ्ते दिन भी नहीं चलेगा, जब खाते हैं ना, खाने ही बन जाते हैं। सो गाइज, ये झटपट वाला अचार है, 5-10 मिनट में बन जाएगा, तो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।